नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हुए हैं बड़ी खबर के साथ। तो हिमाचल प्रदेश के इन कर्मचारियों को भी अब बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से मिल चुका है। क्या खबर रहेगी पूरी जानकारी आपके समक्ष जरूर साझा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो KCC बैंक के 1300 कर्मचारियों को भी मिलेगा 4% DDA। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी यानी KCC बैंक के 1300 कर्मचारियों को भी एरियर सहित 4% DA का लाभ अक्टूबर के वेतन के साथ ही दे दिया जाएगा। बैंक के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि इस बाबत प्रबंध निदेशक को आवश्यक कार्रवाई के लिए कह दिया गया है। पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सिर्फ कर्मचारियों के ही नहीं बल्कि हर वर्ग के हितैषी हैं। 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में बैंक ने 2016 से कर्मचारियों के छठे वेतनमान की बकाया लगभग 45 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने के बाद भी 64.27 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है। इस दौरान बैंक की जमा राशियों और ऋण भी बढ़े हैं। 30 सितंबर को समापन तिमाही में भी बैंक का लाभ 70.18 करोड़ रुपए के लगभग है। त्योहारी सीजन में बैंक ने अपनी विभिन्न ऋण योजनाओं में प्रोसेसिंग फीस में छूट दी है। पठानिया ने कहा कि OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी को लागू कर बैंक का ग्रोस NPA 31 मार्च 2022 के 29.60% के स्तर से घटकर मार्च 2024 में 23.45% रह गया, जबकि समान अवधि में नेट NPA 15.31% से घटकर 7.15% रह गया। वहीं पहली OTS पॉलिसी के अच्छे नतीजों के बाद ही बैंक अधिकारियों की कमेटी की ओर से बनाई गई नई OTS पॉलिसी को रजिस्ट्रार के आदेशों पर बोर्ड की ओर से 30 अक्टूबर तक लागू करने के आदेश पारित हुए। इससे बैंक का NPA और कम होने की उम्मीद है। इसके बाद बिना कोई छूट दिए ऋण डिफॉल्टरों से सख्ती से ऋणों की वसूली की जाएगी। बैंक के अध्यक्ष ने उम्मीद जताई कि मौजूदा OTS पॉलिसी के बाद बैंक का नेट NPA 5% से कम और ग्रोस NPA 20% से कम के स्तर तक आ सकता है। तो ये रही बड़ी खबर की हिमाचल में KCC बैंक के 1300 कर्मचारियों को भी 4% DA का लाभ मिलेगा। तो ये रही बड़ी खबर। ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।